अस्सलाम वालेकुम। तुमने लाइक स्टोरी है, ठीक है। तो एक भाई होते, वडील, उमर लायक बर, तो एक वडील होते और एक जवान लड़का होता है। बस के अंदर मुसाफरी करते होते हैं। जब टिकटर आता है टिकट लेने के लिए, टिकट तो उसको क्या करता है वो जवान लड़का, कहता है आप रहने दो उमर लायक इंसान को कि मैं आपकी टिकट दे दूंगा, ठीक है। तो वो ना कहते तो भी वो ज़बरदस्ती थी उनकी टिकट कटवा लेता है और थोड़े जल्दी उनके उतरने के पहले जल्दी उतर जाता है, ठीक है। फिर चाचा जब घर पहुंचते तो देखते जब्बे के अंदर पॉकेट नहीं होता। तो चाचा को आइडिया आ जाता है कि वो इंसान ने मेरा पॉकेट मार लिया। तो अंदाजा आता है कि वो चोर था। वो चोर कुछ दिनों के बाद फिर से नजर आता है चाचा को। चाचा कहते अब तो मैं इसको पकड़ लूंगा। वो चोर मिलता चाचा को और रोने लगता है और माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा जब्बा मारा तो मेरी औरत मर गई, मेरे को बहुत दुख हुआ, माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तो चाचा घर जाके देखते तो गले की चेन गायब होती सोने की। चाचा फिर समझ जाते किसने मेरे साथ फिर से धोखा करा, मेरी गले की चेन मार ली। दो वक्त चाचा के साथ धोखा हो जाता। एक वक्त तो पहले वॉलेट मार लेते चाचा का, उसके बाद दूसरी बार वही चोर उनकी चेन चुरा लेता है सोने की। कई दिनों के बाद फिर वो चोर नज़र आता है। तो अभी चाचा के अब तो मैं इसको बहुत मारूंगा, अब इसके धोखे में नहीं आऊँगा, इसने मेरे को दो वक्त लूटा है, अब मैं इसको पकड़ के जेल में पकड़ा दूंगा, इसको मैं इसके धोखे में आने वाला नहीं हूँ। फिर वो गले मिलता है, फिर माफ़ी मांगता है कि मैंने आपके साथ गलत किया, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत तकलीफ़ में हुआ, मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, मैं बीमार हो गया, खाट में पड़ गया, मैंने दो वक्त आपके साथ धोखा करा। फिर वो चाचा से माफ़ी मांगता है और उनको वॉलेट भी उनका वापस देता है पैसों का, और वो जो सोने की चेन चोरी करी होती है वो भी आप रिटर्न करता है। तो चाचा को माफ़ी मांगने के लिए होटल में ले जाता है, खाना वाना खिलाता है चाचा को, फिर वो जल्दी निकल जाता है वहाँ से माफ़ी मांग के चाचा को, और उनका वॉलेट और चेन लौटा के वहाँ से रिटर्न हो जाता है। फिर चाचा खाना खा के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चाचा की गाड़ी गायब, फोर व्हील। तो इस तरीके से चाचा को तीन वक्त लूट लेता है चोर। कितनी वक्त? तीन वक्त। ऐसे हाल अपने देश के कि जो राजनेता है जनता को इस तरीके से मूर्ख बनाते और लूटते रहते हैं, और जनता भी बार बार उनके साथ छेतरा जाती है, उनकी मीठी मीठी बातों से मूर्ख बन जाती है और उन्हें मतदान कर देती है। तो ये ज़रूरी है देश के अंदर कैसा छल होता है अपने साथ, पहले लूटते फिर आपको ही लौटाते,